जैन पिंजन चौप भाई अब तो बता दो लिटरली मैम अवेंजर्स के पास आए क्यों है वो भी उनको बिना बताए वो भाई कल वह सरप्राइज रिलीज हो जाएगा फालतू में अरे अरे वो भाई साहब उठिन की कसम ये कौन मूर्ख खा गया हमारा काम बिगाड़ने अबे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है तो यहाँ पर बीचो बीच एक मिनट वट अवेंजर्स इतने टाइम बाद तुमको इतना ज्यादा बिजी होते देख रहा हूँ अर ना जब देखो तुम मस्तियाँ करते रहते हो वैसे चल क्या रहा है असल में हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिससे कि हम दूसरी दुनिया के लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाए मतलब एलियन से और वो हमारी सभ्यता को और ज्यादा डॉन्स बनाने में बहुत मेहनत करेंगे ओके वैसे मैं तुम्हारी को मदद कर सकता हूँ यार मशीन तो काफ़ी गंदी हो रही है मैं कपड़ा मार के इसको साफ कर दूँ नहीं फ्रेंगलिन नहीं गलती से भी टच मत कर दियो मशीन को अरे देखना भाई कितनी धूल हो रही है थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगा तो दिक्कत ही क्या है क्या करा है फ्रेंगलेन यहाँ पर एक बटन दू बस वो दबा दिया आ, अरे बाप टोनी सर ये क्या हो गया और मरवा दिया इस फ्रैंकलिन के बच्चे ने आ, वो मशीन कहीं ऑन ना हो जाए फिलहाल तो मशीन ऑन नहीं हुई मशीन ब्लास्ट जरूर हो गई ओ भाई साहब बड़ी जोर से लग गई टोनी तो मेरे को मार ही डालेगा ये क्या चीज है ओह ओ भाई साहब नो इतना बड़ा प्लेन स्टॉक में, में क्रैश ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन यस अब तेरी वजह से हो रहा है वो मशीन का रिएक्शन है ये ओह नो गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब अरे बाप रे पानी पानी चाहिए मेरे को गाइस प्लीज यार यार आप लोग जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब टोनी तो की मशीन को अगर कुछ हुआ तो क्या होगा वो प्लेन कहाँ गया ये सब पत्थर ये स्टॉक मैं ये क्या ओ भाई सब मेरी एक गलती की वजह से स्टॉक पेंशन की क्या हालत हो गई यार मुझे टोनी का कहा मान लेना चाहिए था गाइस वैसे यार ऐसा तो नहीं है ये कोई सीक्रेट बंकर या सीक्रेट डोर हो अरे नहीं डोर तो बहुत छोटे होते हैं ये कोई सीक्रेट बंकर लग रहा है मुझे ये यहाँ पर क्या कर रहा है ऐसा तो नहीं है स्टाक मैं वॉल टूटने की, की वजह से ये सीक्रेट बंकर का राज खुल गया हो हाँ। फिर तो गाइज इसके अंदर चल के देखते हैं है अरे ये क्या इसमें घास ही घास भरी पड़ी है और मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा ये तो अजीब है अरे 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 मेरी टांग अरे मेरी टांग घुस गई भाई इसके अंदर अरे अरे गौई गौई मैं पूरा नहीं जा जा पा रहा मेरे हाथ जरूर फंस रहे हैं टोनी कहाँ पर है और टोनी की सिंचन शॉप कहाँ पर है ये क्या हो गया और वो जो प्लेन क्रैश हुआ था यार उसमें पैसेंजर्स तो नहीं बैठे थे ना जाने कितने लोगों की जाने चली गई होंगी ओह माय गॉड ये क्या हो गया भाई टोनी कहाँ पर है उस ने मुझे बर्बाद कर दिया अरे मेरी मशीन कहाँ चली गई कहीं आवाज तो आ रही है टोनी की ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से अरे ऐसा तो नहीं है

इतना बड़ा ब्लास्ट ऐसे तो नहीं हो सकता या तो कोई अंदर गया है ये फ्रैंकलिन किससे बातें कर रहा है वहां पर फ्रैंकलिन तूने ही कोई की होगी मैं मैं पक्का यकीन से बता सकता हूं एक मिनट भाई साहब ये अवेंजर्स अभी तक वापस क्यों नहीं आए अबे टोनी कहीं ऐसा तो नहीं है अवेंजर्स के अंदर चले गए हो इसके अंदर अबे अब इसके अंदर क्यों जाएंगे भाई अबे टोनी भाई इसके अंदर सीक्रेट बंकर है बात मान इसके अंदर हो सकता है कि एलियंस के, के प्लेनेट से कनेक्टेड कोई पोर्टल हो या फिर इसके अंदर खजाना हो नहीं नहीं मैं तेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और वैसे भी अवेंजर्स को तो खुद मैंने लिटरली में भाई सीमेंट लेने और ईटे लेने भेजा है वो आते ही होंगे कुछ टाइम में और इस घर को मतलब इस पूरे सीक्रेट बंकर को रिपेयर कर देंगे उनके आने से पहले चलना टोनी दोनों साथ में मिलकर इस सीक्रेट बंकर के अंदर जाते हैं तू पागल हो गया है क्या भाई इसके अंदर यहाँ पर ऐसा क्या मिलेगा हमको इसके अंदर कुछ है भी है नहीं अरे बाप रे जैसे भी यहाँ तो एक सिंपल वॉल थी और उसके पीछे एक नॉर्मल सी गैलरी है और कुछ नहीं है मैं देखता हूँ ज़रा कुछ है ये देख फ्रैंकलिन यहाँ कुछ भी नहीं है एक मिनट अरे बापरे यहाँ पे पत्थर हैं टोनी भाई तू मान मत मान भाई टोनी इसके अंदर पक्का कोई तो है जो लिटरली में भाई ये लिटरल धमाके कर रहा है बाकी यार मैं ना आस पास जाके देखता हूँ क्या पता अवेंजर्स ने कोई गड़बड़ कर दी और वो डर की वजह से छुप गए अवेंजर्स अरे तुम लोग कहां पर हो भाई का आप लोग बताओ वो ब्लास्ट किसने किया था कहीं ऐसा तो नहीं है वो अवेंजर्स नहीं किया हो वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो अब फ्रैंकलिन मेरा को लगता है भाई तेरी बातों में कुछ तो सच्चाई है मैं सोच रहा था इसके पीछे गैलरी है बट असल में इसके पीछे भी पत्थर है ऐसा तो नहीं है ये पत्थरों की कोई गुफा हो सीक्रेट बंकर हो वही तो मैं बोल रहा हूँ चल ना भाई अंदर जाने की कोशिश करते हैं चल 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 साथ में चलते हैं ना अंदर नहीं बहुत हुआ मैं नहीं सुनूंगा मैं इस तरह से अकेले अंदर नहीं जाऊंगा जाएंगे तो अवेंजर्स के साथ और सिंचन विजय चौक के साथ ऐसा तो एक काम कर तू यही रुक मैं सिंचन बिजन चौक को लेकर आया बाकी अवेंजर्स भी आई जाएंगे नहीं भी आए तो भाई हम उनको जल्दी से ले आएंगे मेरे हिसाब से कहा वो ना पक्का कुछ गड़बड़ करके गए अवेंजर्स और वो चुपचाप उस गड़बड़ को सुधारने के लिए ईटे और सीमेंट खरीदने चले गए होंगे जिससे कि वॉल को रिपेयर कर दें बट मैं इस वॉल को रिपेयर नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अरे सेंचेंबेनचनचोप व्हाट ओह माय गॉड ऑबियस इनचेंबेनचनचोप कहां गए गाइस ये क्या चल रहा है एवेंजर्स का मैं समझ सकता हूं वो उधर से गए थे तो वो स्टार्क मेंशन से बाहर चले गए होंगे बट मैं और टोनी ऑलरेडी सीक्रेट बंकर के पास खड़े थे तो सेंचेंबेनचनचोप कहां गए टोनी क्या हुआ इतना क्यों चीख रहा है अब सेंचेंबेनचनचोप वहां नहीं है व्हाट ये क्या कह रहा है तो सच में मैंने देख लिया पूरी की पूरी रूप पर सिंचाई बिंज चौप नहीं है मुझे तो लगता है भाई ये सब इस सीक्रेट बंकर का ही करना है जो भी है मुझे तो लगता है एवेंजर्स भी गायब हो चुके हैं अच्छा अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं हम सीमेंट की शॉप पर जाते हैं और ईटो की शॉप पे जाते हैं वहाँ जाके भाई पूछते हैं कि अवेंजर्स कोई सामान वाल लेने आए थे स्टॉक मैंसन का देखना वो पक्का हमें वहीं मिल जाएंगे हाँ ठीक है लेकिन हम जाएंगे कैसे इसका क्या मतलब है हम कार से जाएंगे जल्दी मेरे पीछे ये फ्रैंकलिन गाइस पागल हो गया है सीक्रेट बंकर में कोई घुसी नहीं सकता भाई वहाँ पे वैसे भी घुसने का कोई तरीका है ही नहीं है ये तो तूने सही कहा मैंने घुसने कोशिश की मैं घुस नहीं पाया था देखा खैर तेरे शक को मैं पूरी तरह से यहाँ पर बेकार ठहरा दूंगा उस मेरे साथ चल हम सबसे पहले शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री पे जाएंगे जहाँ पर एकदम प्योर लेवल का सीमेंट और ईंटें मिलती हैं मजबूत लेवल की जिसमें मैंने पहले भी स्टॉक मैंसर में काम कराया था मेरे हिसाब से अवेंजर्स वहीं गए होंगे अरे बाप रे गाइज आपको क्या लगता है क्या अवेंजर्स सच में घर बनाने का सामान लेने गए हैं या फिर सीक्रेट बंकर में गए

और टोनी भैया मिल नहीं रहे हैं मुझे यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये पिंचन और चौक कहाँ गायब हो गए और अब तो फ्रैंकलिन भैया टोनी भैया भी घर में नहीं है वैसे मैं घर में अकेला दोस्तों मस्ती भी कर सकते हैं मज़ा आएगा लेकिन उससे पहले पिंचन चौक को ढूंढना पड़ेगा तभी तो मैं मस्ती करूँगा अकेले अकेले मस्ती करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अरे बाप रे गाइस ये क्या कहीं फ्रैंकलिन भैया इसी सीक्रेट बंकर की बात तो नहीं कर रहे थे जो वो बोल रहे थे कि ये सीक्रेट बंकर एलियन से कनेक्टेड रास्ता हो सकता है या फिर इसके अंदर बहुत सारा खजाना कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें पिंचेन और चौप चले गए खेलते खेलते अरे कोई बचाओ मेरे को हैं

मुझे तो वो फ्रैंकलिन भैया लगते हैं अरे हाँ मैं फ्रैंकलिन ही हूँ अरे टोनी और बाकी को तो ये बंकर ने मार भी दिया बस मैं ही बचा ले मेरे को अरे आप हैं कहाँ पर गाइस इस फोन के कैमरे से चेक करते हैं कुछ ठीक से दिखता ही नहीं है

तो काम ही नहीं करी। जल्दी स्टॉक में से रॉकेट ला कुछ तो लेकर अरे हाँ मेरे भी तो आरपीजी जी रॉकेट थे जो मैंने असल में खरीदे थे जल्दी से काम करता हूँ पहले गोलियों का इस्तेमाल करता हूँ अगर ये गोलियों से सीक्रेट बंकर खुल गया तो ठीक है वरना आरपीजी जी रॉकेट का इस्तेमाल करके इस बंकर की बहन बजा दूंगा <coughs> जल्दी करो ओ, मैं मर रहा हूँ मेरी बैंड बज रही है अरे रुकिए ना फ्रेंकी भैया थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना इतनी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ मैं पता नहीं गाई जी क्या हो गया फ्रेंकी भैया के लिए आप लोग प्लीज़ फ्रेंकी भैया को बचाने के लिए वीडियो लाइक करो कर चैनल सब्सक्राइब बड़ी जोर से लग गई यार पी ने तो मेरी बैंड बजा दी मम्मी ये क्या हो गया फ्रेंकी भैया अरे फ्रेंकी भैया की आवाज़ नहीं आ रही ओ नो कहीं ये सीक्रेट बनकर बंकर मारना दे मुझे जल्दी करना होगा प्लीज़ दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आप वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब फ्रेंकी भैया रुकी बस मैं आपको बचा लूंगा पता नहीं वो सीक्रेट बंकर के अंदर कैसे चले गए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं और अवेंजर्स भी पता नहीं कैसे हैं ये क्या आ गई कोई बचाओ कोई कोई तो मेरे को पकड़ के खींच रहा है ये सीक्रेट बंकर मेरे को भी खा जाएगा मम्मी अबे यार यहाँ पे तो बहुत सारी फैक्ट्री खुल गई अब से दस साल पहले मैंने घर बनवाया था तब तो इतना कुछ नहीं था टोनी भाई देख ले तू इन सभी वर्कर्स से पूछ ले आ, अरे मिल गई मिल गई यही थी यही थी ये देख भाई कितना ज्यादा खतरनाक सीमेंट बजरी और भाई ईटे और भाई सब बहुत कुछ है हेलो अरे ठेकेदार साहब कहाँ पर हैं आप यहाँ तो कोई नहीं है कोई इंजीनियर भी नहीं है क्या अ, कोई आर्किटेक्ट कोई लेबर अरे ये रे बंदे ओ भाई साहब अरे भैया इतनी महंगी गाड़ी ये तो टोनी चले अरे गाइस मेरी बात सुनो इंट्रोडक्शन बाद में चलता रहेगा पहले ये बताओ वो डॉक्टर थौर और स्पाइडरमैन को मैंने यहाँ से सामान लेने भेजा था घर बनाने का वो पैक करा दिया आना जी इधर तो कोई नहीं आया अरे सर जी सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया आप कुछ खरीद लीजिए देखा तो नहीं मैंने बोला था ना ऐसा भी तो था कि वो दूसरी शॉप से खरीद ले गए क्योंकि देख मैं खुद यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया था कि पुरानी वाली शॉप कौन सी है सर जी लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ से सामान खरीदिए अरे बटाइर्स ने अगर कहीं और से सामान खरीद लिया होगा तुम तो हम यहाँ से क्यों ही खरीदें पहले फ्रैंकलिन भाई अब तो तो मेरे हिसाब से एवेंजर्स ऑलरेडी पहुँच भी केंगे स्टाक मैं और उन्होंने उस सीक्रेट बंकर को रिपेयर करना भी शुरू कर दिया होगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई जल्दी कर गाइस एक तो पता नहीं है सिंचन चौप पता नहीं कहाँ चले गए भाई गाइस गाय सिंच ठीक तो होंगे ना आप लोग प्लीज कॉमेंट में यस या फिर नो लिख के बताइए फ्रैंकलिन तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है एक तो ऑलरेडी मेरी मशीन गायब हो गई है भाई वरना अभी तक तो मैं एलियंस से कॉन्टैक्ट करके बैठा होता और आराम से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भाई और ज्यादा दुनिया विकास कराता मैं अरे टोनी वो सब हो जाएगा पहले भाई हमें सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा ले हम स्टाफ मैंसन आ गए अवेंजर्स अवेंजर्स कहाँ पर हो तुम लोग ठीक मैंने कहा था ना ना यहाँ पर कोई सामान आया है ना ही अवेंजर्स हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई उन्होंने सामान भी नहीं खरीदा अरे यार टोनी एक मिनट टोनी ये ये आर पी जी अरे ये तो सिंचैन के हैं वो भाई साहब सिंचैन ने गाइस ये तीन चार दिन पहले खरीदे थे असल में टोनी ने ही उससे खरीदवाए थे स्टॉक मैंसन के लिए हाँ खरीदवाए थे क्या हो गया अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं निकले हुए ऐसा तो नहीं है भाई सिंचन ने इनका इस्तेमाल करके सीक्रेट बंकर में घुसने की कोशिश की हो तो आगल है क्या वो सिंचन ऐसा क्यों करना चाहेगा और जब हम यहाँ खड़े थे सिंचैन बंजन जो तो ऑलरेडी यहाँ थे ही नहीं ऐसा तो नहीं है भाई वो बाद में आए हो और उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अंदर जाने की कोशिश की हो बट मुझे तो नहीं लगता है सीक्रेट बंकर थोड़ा सा भी टूटा फूटा है टोनी प्लीज अब तो मेरी बात का यकीन करी सीक्रेट बंकर को तोड़ने की कोशिश करना इसके अंदर कुछ तो रात छुपा है अच्छा चल ठीक है अगर तू बोलता है तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ अरे तू ऐसे नहीं जा पाएगा कैसे नहीं जा पाऊंगा अरे ये तो भाई साहब पत्थर की तरह एक तरह का मुझे कोई चट्टान ही लग रही है भाई इसके अंदर कोई जा कैसे सकता है आइडिया मैं काम करता हूँ मेरी एक कार है सुपर कार उसमें खतरनाक सुपर मिसाइल और बुलेट लगे पड़े हैं मैं उसी कार में बैठता हूँ और भाई साहब इस सीक्रेट बंकर की बैंड बैठता हूँ मैं भी तो पता करूँ ये फ्रैंकलिन इतना ज़्यादा पागल क्यों है सीक्रेट बंकर को लेकर अरे जाओ फ्रेंकलिन वरना तेरी भी बैंड बच सकती है टोनी चलती कर भाई ये भी खतरनाक छोड़ रहा है आप भी देख ये चौड़ा हो जाता है फिर से इसके जाएंगे और हम देखेंगे इसके अंदर है क्या पर यहाँ पर मैं बैक टू बैक मिसाइल छोड़ रहा हूँ टोनी को छुआ क्या नहीं भाई ये तो सीक्रेट बंकर पे टच से मच भी नहीं हुआ कुछ भी यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई ये मेरे मिसाइल्स और तो बड़ी से बड़ी चट्टानों को चूरमा बना दें सुरमा बना दें उनका बट ये सीक्रेट बंकर किस चीज़ से बना है जो यहाँ पर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन ये कोई सीक्रेट बंकर है ही नहीं बस ये वॉल है मेरे स्टाक मैंसन की मैंने अपना घर बनवाया इस तरह से कि वो कभी टूटने पर भी ना टूटे नहीं टोनी भाई मेरी बात मान पक्का ना इसके अंदर कोई तो गया है अच्छा अगर कोई गया है

कौन कौन गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी आयरन मैन ना थोड़ी इज्जत रखिए मेरी यार इतनी देर से मैं बस बोले ही जा रहा हूं बट ये है कि सीक्रेट बंकर का बच्चा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है ओ भाई साहब टोनी कर दिया तूने दिख रहा है मुझे ओ नो मैंने तो उसकी एंट्रेंस को और ज्यादा ब्लॉक कर दिया पत्थरों से ओ भे यार ये पत्थर तो हिल भी नहीं रहे अब हम इसके अंदर कैसे जाएंगे <laughs> मुझे तो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है पक्का भाई सिंचाई चौप या बाकी एवेंजर्स के अंदर ही फंस गए हैं लेकिन फ्रेंकल ने फ्रेंकलिन करें क्या भाई मैंने पूरी कोशिश कर ली मुझे नहीं लगता सीक्रेट खुलेगा और वाह मजा आ गया अरे वाह बल्ले बल्ले मजा आ गया अब तो एवेंजर्स की बैंड बजेगी और हम उनके साथ खेलेंगे होली और उनकी बैंड बजाएंगे ये

अभी तो ये लोग बोल रहे थे अवेंजर्स के साथ होली खेलेंगे उनकी बैंड बजाएंगे और होली खेलने में तो लोगों के साथ बैंड थोड़ी बजा जाती है उनके साथ तो मज़े किए जाते हैं एक मिनट ओ भाई साहब और होली पे पटाखे कौन फोड़ता है ये लोग लिटरली में पागल हो गए हैं फ्रैंकलिन मुझे तो लगता है इन दोनों ने ही यहाँ पर हमारे अवेंजर्स और सिंचाई चौक को गायब कराया किसी तरह से और हम फालतू में सीक्रेट बनकर के पीछे लगे पड़े हैं जो भी हो हमें इनकी चाल के बारे में जानना ही होगा ही 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 ओ, चल 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 चल, चल, चल जल्दी मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है और बिल्कुल सारे पटाखे झोली में भर ले पता ना चलने पाए क्या क्या चीज इसके अंदर देखा तूने जावे जरा यहाँ पर मुझे खतरनाक सूट दो ले अरे क्या हो रहा है और आप क्या हो रहा है ये क्या हो गया सरप्राइज देने से पहले ही शौक दे दिया औरा पापा और बचाओ टोनी क्यों मार रहा है हमने तुम्हारी सारी बच्चों जैसी हरकतें वाली बातें सुन ली हैं बच्चे भी इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तुम लोग कैसे हो यहाँ पर हमारी बैंड बजाओगे अभी बताता

वो तो दिवाली में खेला जाता है चुपचाप बताओ सिंह चौपर अवेंजर्स का है। और मैं का पता तो होना चाहिए ना तो कि पटाखों से, से। तुम कहो तो रंग ले आओ मई कोई जमीन पटाखों का यूज कर सकते हैं पहले तो बेटा तुम चौप चुपचाप निकलो होली एक डेढ़ महीने बाद है और तुम अभी से होली मनाने आ रहे हो निकले यहां से जब जरूरत होगी बुला लेंगे अरे बापरे मार्केट भेज रहा है गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ क्यों ना इनके खतरनाक पटाखे हम सीक्रेट बंकर में लगाए और उसको ब्लास्ट करें अबे निकलो ना यहाँ से तुम लोग और कौन सा सीक्रेट बंकर हमें बताता है निकलो यहाँ से इनको कुछ पता ना चलने पाए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनको गाइस हम पता नहीं चलने देंगे कि स्टाक पेंसर में कोई सीक्रेट बंकर है क्योंकि भाई उसमें खजाना खजाना भी हो सकता है वो सब ये लूट के ले जाएंगे अभी टोनी चल भाई सारे के सारे पटाखे उठा और यहाँ पर हम एक एक पत्थर में चुन चुन के सौ सौ पटाखे लगाएंगे और कैसे पत्थर नहीं हटेंगे हम भी तो देखें और राइट दोस्तों यहाँ पर रॉकेट से लेकर भाई अनार तक अनार से लेकर सुतली बॉम्ब तक भाई सब कुछ लगा दिया है यहाँ पे फुल जड़ी भी लगा दिया है सब एकदम बढ़िया है अब बस हमें यहाँ पर ट्रिगर करना है और उसके बाद ऐसे खतरनाक धमाके होंगे कि ये पत्थर चूर चूर हो जाएंगे उसके बाद हम इस सीक्रेट बंकर के अंदर घुस के पता कर पाएंगे असल में कि सीक्रेट बंकर के अंदर कैसा राज है जो हमें घुस नहीं दे रहा है एक दो ले वाह पत्थर हिले पत्थर हिले बट टूटे नहीं भाई पत्थर हिलके गए दूसरी पोजिशन पर आ गए यार, कोई नहीं हुआ, टोनी अब क्या करें फ्रैंकलिन घबरा मत मैं कुछ देखता हूँ कुछ तो हुआ था तभी पत्थर हिले थे कुछ अजीब है ये पेपर पहले तो नहीं था फ्रैंकलिन आई थिंक पत्थर हिलने की वजह से पेपर हमें दिख गया नहीं तो पहले दबा पड़ा होगा ये देखें तो सही वार्निंग डो नॉट ट्राई टू एंटर इन सीक्रेट बंकर वो वॉइस ऑफ ये, ये किसने लिखा है यहाँ पर

एक प्लेनेट जितना बड़े आकार के पत्थर को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है सच में हां भाई अब तो हमें वो जायंट मॉन्सर ट्रक ही चाहिए चल 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 जल्दी चल चल चलते हैं और जाकर उस जायंट जॉयर ट्रक को लाते हैं और उसके एक पंच से इस सीक्रेट बंकर को बैंड बजाते हैं उसके बाद पता करेंगे किस बेवकूफ ने हमें अपने ही घर के सीक्रेट बंकर से अंदर घुसने से रोका है अब तो मुझे भी लगता है पक्का भाई अवेंजर सिंह चौप इसी सीक्रेट बंकर के अंदर ट्रैप है टोनी जल्दी कर वैसे तू मिलिट्री बेस से लेगा कैसे उसको अरे तू चिंता मत कर कर्नल मेरा अच्छा खासा दोस्त है दो तीन दिन के लिए आराम से उस मॉन्स्टर ट्रक को दे ही देगा और मजा आ गया मजा आ गया अब तो इससे मैं दुनिया के किसी भी किजोरी को तोड़ सकता हूं ये क्या अबे फ्रेंकल मैं तो तुझसे इसी

को अभी जेल भेज दूंगा ये मोस्टर ट्रक हमारा है समझा कितना खतरनाक है भाई ये तो यहां पर एक झटके में सीक्रेट बंकर की बैंड बजा देगा खरगोश इधर क्या कर रहे हैं इतने प्यारे प्यारे खैर इनको छोड़ो रेडक चुपचाप निकल यहाँ से न ही निकलूंगा इन खरगोशों की कसम तेरी बहन बजा दूंगा तू ऐसे नहीं मानेगा अभी बताता हूँ ये ये ले और मार दिया तुम लोग नहीं कर रहे हो मैं जेल जेल में जाऊंगा पुलिस को बोलूंगा क्या तुमने मेरे साथ गलत किया भाई चोर से चोरी का सामान चुरा रहे हैं उसमें क्या ही बुराई है जल्दी कर फ्रेंड जल्दी कर इससे पहले कि यहाँ पर मिलिट्री वाले रेडक को पकड़ने दे और इसको भी ले जाए मोसे ट्रक को हम मोसे ट्रक गायब कर लेते हैं रुक जाओ नहीं लेट्स लेट्स ओ भाई क्या खतरनाक ट्रक है ये

भाई साहब ये को पंच में क्या पत्थर उड़ाए इसने ऐसा लगता है भाई पत्थर तो इसके लिए पेपर जैसे हो ऐसे ही पकड़ के मसल दे लेट्स गो ये जितने भी पत्थर थे वो तो क्लियर हो गए अभी मेन टास्क है सीक्रेट बंकर के ये खतरनाक पत्थरों को हटाना ये ले सुपर बूस्टर सुपर मॉन्स्टर जायंट पंच अटैक अरे बाप रे ये क्या नहीं यार ऐसा, तो नियम फेल हो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जल्दी जल्दी कर दिया हमें हंड्रेड परसेंट पावर यूज कर हंड्रेड नील दो सौ परसेंट पावर यूज करूंगा ये पांच सौ परसेंट और क्या हो गया फट गए रे भाई अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन जल्दी ट्रक से बाहर निकाल मर जाएंगे हम तो लगता है कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली भाई अरे यार ट्रक तो गया और एक मिनट सीक्रेट बनकर खुलाया नहीं ये कहां हूँ मैं अरे तो मैं स्टार्क स्टाकमैनसन के पीछे वाले एरिया में आ गया चलिए देखता हूँ आई थिंक वो मोस्टर ट्रक फटाइज लिया था क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था और वो ब्लास्ट शायद इसी के अंदर अरे हाँ जब डॉक्टर स्ट्रेंज शायद इसके अंदर गया होगा तब भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था और अभी भी सीक्रेट बंकर मतलब जब भी खुलता है ब्लास्ट होता है क्या गाइस ये क्या इस बंकर के अंदर तो पानी पानी है गाइस मेरे को जल्दी से कोई भाई सूखे प्लेस पे जाना पड़ेगा मैं तो यहाँ पे सांस ही नहीं ले पाऊंगा और मर जाऊंगा बट टोनी कहाँ पर है हो सकता है टोनी मुझसे पहले ही सीक्रेट बंकर में घुस गया हो अरे पॉपरे ये क्या ये तो सिंचन की और पिंक की रिमोट कंट्रोल कार्स भाई साहब ये सीक्रेट बंकर तो भाई चोर भी निकला सिंचन पिंचन की लिटरली में भाई इसने रिमोट कंट्रोल कार अपने अंदर ले रखी है ऐसा तो नहीं है टोनी की जो वो एलियन से कनेक्शन वाली मशीन थी वो भी इसी ने खा लियो और वो प्लेन जो था वो भी ओ भाई साहब ये तो टोनी स्टॉक की सीक्रेट गुफा का सारा गोल्ड इलेट्रली में भाई मैंने देखा है

ये बंकर में मुझे अभी तक कुछ काम का नहीं देखा जो भी चीजें थी हमारी थी जैसे कि सिंचन बिंजन की, की रिमोट कंट्रोल का या टोनी का सोना इसके पास अपना भी कुछ है मेरे को बचा भाई मैं जल के मार रहा हूँ टोनी ये क्या हो गया तेरे को भाई साहब टोनी जल्दी उठ तेरे को पानी में कूदना पड़ेगा नहीं गॉड oh ये आग तुझ में कैसे लगी अरे शायद मैंने किसी गलत गलत बटन दबा दिया उसके चक्कर में भाई मैं जल रहा हूँ बचा मुझे टोनी प्लीज मेरे को छोड़ के मत जा ये आग पूछती क्यों नहीं है मेरा भी हाथ जल रहा है टच करने पे ओ गॉड टोनी टोनी कुछ बोल टोनी बाकी अवेंजर्स कहाँ पर है टोनी कुछ बोल गाइस <laughs> गाइस टोनी स्टार्क को बचा पाए ये क्या हो गया <laughs> बाकी बाकी अवेंजर्स तो ठीक होंगे ना और ओ नो अगर मैं गाय पे रोता रहा तो शायद सबको खो दूंगा टोनी मुझे माफ करना मैं तुझे वापस लेने आऊंगा गाइस हमने टोनी को खो दिया मैं मैं ये कैसे ये कैसे हो पाया मेरे सामने अरे बाप रे यार जब से गाय सिगरेट बंकर के अंदर घुसाऊंगा भाई पानी पानी है पानी पानी है भाई और ऊपर कुछ तो है शुक्र है आप जाके सांस आई अरे वाह यहाँ पर तो रोशनी है भाई नीचे अंधेरा ही अंधेरा था जल्दी जाता हूँ जल्दी जाता हूँ फ्रैंकलिन गाइस ये फ्रैंकलिन का बच्चा कहाँ चला गया वैसे ये सीक्रेट बंकर का रास्ता तो खोल दिया उस मॉन्स्टर ट्रक ने मैंने तो सोचा था हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएंगी उठी गुस्सू अब कहाँ जाए अब चौप

ये सीक्रेट बंकर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है ऐसा तो नहीं है भाई हम सच में एलियन के प्लैनेट पर आ गए हो और बहु इतना सारा पैसा ये कैश यहाँ पर किसने रखा भाई साहब ये जगह देखें मैं तो काफ़ी गंदगी भरी लग रही है पर इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है लिटरली में वाह टीवी स्पीकर स्पीकर पुराने जमाने में ये चीज़ें तो हुआ भी नहीं करती थी फिर इस जगह पे ये चीज़ें कहाँ से आई भाई फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कहाँ पर है तो अरे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और भाई साहब चलो गाइज इन सीढ़ियों पे चलते हैं आगे देखते हैं और रे गाइज मैं कितनी जगह घूम लिया पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि फ्रैंकलिन है कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसे बचाऊँ ये कौन है वट ओबे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तो एक मिनट

तो मुझे आवाज आ रही है उनकी आई फ्रैंकलिन देख उधर वो लोग तो भाई साहब छुपे पड़े छुपे नहीं पड़े भाई वो लटके पड़े हैं पूरी तरीके से गाइस जल्दी देखते हैं जाके वो लड़के क्यों बढ़ाए अरे मत आना भैया डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर इस सोने को लेने की कोशिश करेंगे तो हम इधर ट्रैप में फंस जाएंगे और बचा लो मेरे को ये सोना हीरा नहीं चाहिए जान चाहिए हल्को बचा ले रुको रुको, रुको एक मिनट रुको मेरे को यहाँ पर फिगर आउट करने दो कि कैसे तुम लोग को बचाना है और सोना भी लेना है राइट गाइस फाइनली हमने सीक्रेट बंकर के राज को पता कर लिया लेट्स गो भाई इसमें तो हजारों साल पुराने से लेकर अभी तक का चोरी का सामान पड़ा है गाइस है जिससे हम गरीबों की मदद करेंगे बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो थैंक यू सो मच हे